नमस्कार दर्शक बंधु कथारे कथारे को स्वागत करुछि मु आपन को स्मृति लग्ना आम सह अछंती आजि दुई जनो स्पेशल गेस्ट फिल्म रांची डायरीज रो डायरेक्टर एंड हीरोइन अछंती आम सहित माने सात्विक आ सौंदर्या चालंतु तांको सहित भेटिबा जानिबा तांकर फिल्म रो सफर केनती थिला। हेलो वेलकम बोथ ऑफ यू टू आवर शो। हेलो सात्विक गोटे ओडिया पुओ खांटी ओडिया पुओ बॉलीवुड रे चहल पकेचंती एक्सपीरियंस केमते थिला जो चर्चा एबे चली छि मार्केट रे केते एन्जॉय करूछंती। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया थिला सेतिबोड जणा पडलानी कोन होउ छि कारण खुशी टा एबे जणा पडछु मोदले ओडिसा असला पर आपण मानकर स्नेह मिलु छि एते आ एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ भी थिला कारण सब किछि बहुत भलो आ प्रोफेशनल उपाय रे हेतला। सौंदर्य आपण तो ओडिया बुझी परछंती तो कैन आई टॉक इन ओडिया a bit how is the experience first time heroine hoba kichi kom katha nu ho that to anupam kher sir achanti film re the legendary actor yes so how is the feeling feeling is really good I feel on cloud number 9 because being an outsider when you come to bombay aapko apna ek jagah banana padta hai even for auditions and when you get to work in a film jahan pe ek bilkul ek tailor made role aapke liye काइंड ऑफ भगवान सामने लाके रख देते हैं और उस फिल्म में आपको पता चल रहा है कि अब अनुपम खेर जिमी शेरगिल सर और सतीश कौशिक सर जैसे लोग काम कर रहे हैं आपके साथ तो फिल यू फील आउट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज शुरुआत में लगता है कि एक फिल्म ही मिल जाए फॉर एन आउटसाइडर आई एम सेइंग और फिल्म मिल के आपको इतना अच्छा कैरेक्टर मिलता है एंड देन इतने अच्छे एक्टर्स देन यू फील वेरी गुड। इन फैक्ट घर कहाँ पे है? दिल्ली में मुंबई में रहते हैं सात्विक जान पहचान कैसे हुआ? मैं एक्चुअली सात्विक को एक ऑडिशन दे रही थी वहाँ उन्होंने मुझे देखा था और वहीं पर हम लोगों की बातचीत हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये भी फिल्म मेकर बनने वाले हैं बहुत जल्दी बट इन्होंने मुझे एक दिन कॉल करके ऑफिस बुलाया स्क्रिप्ट दिया और बोला कि इसे पढ़ो और मुझे नहीं बोला था कि इट इज़ फॉर द कास्टिंग कि ये करने वाले हैं इस फिल्म के लिए तो मैंने पढ़ा और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और फिर उन्होंने मुझे एक दिन ऑडिशन के लिए बुलाया और ये बोला कि मैं ऐसे ही देखना चाहता हूँ बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सिमिलैरिटी है एक गुड़िया कैरेक्टर की और तुम्हारी तो मैं देखूंगा क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एक लड़की को जब मैं कास्ट करूँगा तो जस्ट एज अ मॉक इसको हम रखते हैं। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने लिया ऑडिशन और करते करते 5-6 ऑडिशन लिए फॉर 3 months एंड ही डिडंट टेल मी कुछ कंप्लेन था कि नहीं डायरेक्टर वाला जो नेचर होता है यार ये ऐसे होना चाहिए। सुनिए ये सरप्राइजिंगली मेरे 6-7 ऑडिशन लेते गए और एक भी बार नहीं बोला कि इस फिल्म के लिए मैं तुम्हारा ऑडिशन ले रहा हूँ और फिर फाइनली परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होके मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ आप ऑडिशन ले रहे हो किस लिए हो रहे हैं क्या है आप मुझे बताओ तो सही। देन फाइनली ही टोल्ड मी कि ठीक है आपके लिए ये फिल्म का हो गया। मैंने फिल्म लिटरली स्क्रिप्ट हड़प लिया था उस स्टेज से क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि ऑडिशंस लिए जा रहे हैं बता नहीं रहे हैं कुछ भी तो फाइनली ये फिल्म का मिला। बट हर बार जितनी बार ऑडिशन लेते थे एक एडिशन होता था कैरेक्टर में कि आज गिटार लेके आना बिकॉज इनको पता चल गया था कि आई प्ले गिटार और गुड़िया की लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वो गा सके गिटार प्ले कर सके बिकॉज इन द फिल्म गुड़िया वॉन्ट्स टू बी द नेक्स्ट पॉप सेंसेशन लाइक शकीरा तो वो एक इसका रिक्वायरमेंट था तो करते करते ये फिल्म मेरे हाथ में आ गई। गिटार पकड़ते पकड़ते फिल्म आ गया हाथ में। इनिशियल स्टेज रे ओडिसा पिला है कि जेतेबेले मुंबई आपण जिबा पई चिंता करि परिले माइंड भितरे कौन चली थिला आउ से सपोर्ट करबा पई किए थिले? बॉम्बे रे मु जॉब करथली VFX एनिमेशन फील्ड रे तो मु यूटीवी टाटा लेक्सी बळे कंपनी काम करथली से थ्रे मते किछि फिल्म मेकर मानन को संग देखायला जो मैंने फिल्म रो VFX करने आसते आमिर खान आशुतोष गुवारिकर तो से ही संस्पर्श आसला मोर मन में आसला कि मैंने हाँ मैंने आपन को अपॉर्चुनिटी दिखे आप जानपर कि यहाँ मुझे कराया चाहूँगी ना आप बहुत जिन थाए आप जानपरते कि मुझे कौन कराया चाहूँगी तो मोर राइटिंग मतलब बहुत भल लगे आम स्टोरी टेलर बाय बाय बर्थ तो मुझे मत प्रोफेशनल लीड केमती परस्यू करी से मुझे सांग सांगे कथबार्ता है डायरेक्टर्स मान को अप्रोच कली असिस्ट करी बोली तो गोटे दिन एम भाविली डिसाइड कली मुझे जॉब छाड़ी परस्यू करी फुल टाइम तो इनिशियली कष्ट बट जो फैमिली को आप कन्विन्स करें तो फैमिली सपोर्ट थी आप डर माड़बनी
ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 6 ବର୍ଷ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ ମାନେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ହଁ ଆସିଷ୍ଟ କଲି କିଛି ବର୍ଷ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ମଟା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଆର କିରଦାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ବି ଗୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ସମ୍ହାଉ ନେଚର ସହିତ ଲୁକ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫିଲ୍ମରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା ଶ୍ୱେତା ଥିଲା ଦେଖିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଡ଼ିଆ କରିଦେଲି ତା ନାଁଟା ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ଏଇଠି ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ମାଲୁମ ଥା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହସ୍ତେ ହେଇକି ନେଇ ବୋଲିଏ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଭି କଭି ହସ୍ତେ ବହୁତ କମ୍ ହଁ ହସ୍ତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନୋଟିସ୍ କି ଡିରେକ୍ଟର ଟିପିକାଲ ଡିରେକ୍ଟର ଜୈସେ ରହେନା ଚ
सबसे बड़ी बात ये सेट पे कभी डांटते नहीं थे किसी को. इनफैक्ट एक बार खैर सर ने आके बोला सात्विक थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ तुम सबके साथ, ही क्या हंसते रहते हो अपने एक्टर्स के साथ. तो मतलब कभी भी इनको गुस्सा देखा ही नहीं कभी भी. वैसे बहुत चिल्ड आउट हमारे सेट का माहौल था, बट हाँ हंसते थोड़ा कम है बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग. क्योंकि हमने आई थिंक 28 दिन में फिल्म का शूट खत्म किया है. वी वर एक्चुअली वेल प्लान्ड और सब लोग अच्छे बहुत डिसिप्लिन थे जो नए एक्टर्स थे. एंड इंटरेस्टिंगली इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजेंडरी सीनियर एक्टर्स एंड न्यू कमर्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट मे बी इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ खेर सर. द काइंड ऑफ द ग्रामर खेर सर सेट हैज सेट. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅନୁପମ ଖେର ସରଙ୍କୁ ନେବି, ସେ ଫଟାକ୍ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିଲା? ହି ଇଜ୍ ଭେରି ପ୍ରୋଫେସନାଲ, ହି ଆସ୍କ୍ଡ ମି ଫର୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ. ମୁଁ ତାକୁ ନେରେଟ୍ କଲା ପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇକରି ଗଲି. ସପ୍ତାହେ ପରେ ସେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ, କହିଲେ ହଁ ଆଇ ଏମ୍ ଲାଇକିଂ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଆଇ ଏମ୍ ଲାଇକିଂ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଲେଟ୍ସ ଡୁ ଇଟ୍. ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର. ସେ କହିଲେ ହଉ ତୁ ତ ୟୁ ଲୁକ୍ ଭେରି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଆଇ ଥଟ୍ ୟୁ ଅଲରେଡି ଆର୍ ସେଟ୍. ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବିକଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ. ତ ଆଇ ମିନ୍ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲାକ୍ ପିରିୟଡ୍ ଥାଏ, ଯଦି କିଛି କାମ ହେଉନଥିବ, ୟୁ ଶୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ. ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖେ, ରାଦର ଦେନ୍ ସିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ କାହିଁ କାମ ହେଉନି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖେ. ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫେସ୍ଟା ହିଁ ପଳେଇବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବି ହେଇଯିବ. ତ ମୁଁ ବହୁତ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଥିଲି. ତ ଖେର ସାର୍ଙ୍କୁ ଲାଗିନଥିଲା କି ଇଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମିଳିନି ଆକୁ. ତ ବହୁତ ମାସ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଖୋଜିପାରିଲିନି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍. ଦେନ୍ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି କିଛି ମାସ ପରେ, 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିଲା. କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର. ମୁଁ ସେ କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ତୋ ଅଫିସର ତୁମେ କଥା ହେବାର ଅଛି. ମୁଁ ଭାବିଲି ଗଲା ମୋ ହାତରୁ ଫିଲ୍ମଟା, ବଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ହି ସେଡ୍ ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି. ସେଦିନ ପଚାରିଲେ ଫିଲ୍ମ ଭିଲେନ୍ କିଏ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଭିଲେନ୍ ପାଇଁ ଭାବିନି, କାରଣ ସେଟା ବହୁତ କ୍ଲାସି ଭିଲେନ୍ ଗୋଟେ, ମାନେ ଟିକେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଟାଇପ୍. ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ଦ ୱାଇନ୍ ଟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅନୁପମ ଖେର, ବଟ୍ ଅନୁପମ ଖେର ଫର୍ ଆସ୍ ଭେରି ପଜିଟିଭ୍ ମ୍ୟାନ୍, ବି ନେଭର୍ ଥଟ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଗାଏ. ବଟ୍ ସେ କହିଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲା ଚାରିବାର, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସିଏ ହିଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପ୍ଲେ କରିବେ ଠାକୁର ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହିମ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ୍. ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କେସେ ଲଗ୍ ରହା ହେ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ୍ ରହା ହେ, ସ୍ପେଶାଲି ୟହାଁ କା ଖାନା ମୁଝେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ୍ ରହା ହେ। କ୍ୟା କ୍ୟା ଅଚ୍ଛା ଲଗ୍ତା ହେ ଆପକୋ? और मुझे झूठ बोलकर लाए कि हम दही बड़ा खिलाएंगे, अभी तक खिलाया नहीं है। खाना ओवरऑल बहुत अच्छा है, चाट मुझे खाना है, मैंने पिठा खाया है वो बहुत अच्छा है, पिठा दालमा इज नाइस बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो जितना भी अभी तक वेज खाया बहुत अच्छा लग गया। सौंदर्य यहाँ पे लोग आपको काफी पसंद करने लगे, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अगर उड़िया फिल्म का ऑफर मिला What will be the reaction? Would be, अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मेरी पहली फिल्म है बॉलीवुड में, अगर मैं आई एम ओपन टू एवरी थिंग एज फार एज माई एक्टिंग पार्ट इज कंसर्न, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी अ गुड स्क्रिप्ट एंड इट शुड बी लाइक सी वॉट मैटर्स इज अ गुड वर्क, इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी लैंग्वेज में है। लाइक अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्टर्स जो एक्ट्रेसेस भी हैं और एक्टर्स भी हैं वो डाउन साउथ काफ़ी काम कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर बाहुबली।
अभी श्रद्धा भी काम कर रही है प्रभास के साथ. सो आई मीन लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर बट द स्क्रिप्ट शुड बी रियली गुड बिकॉज 3 months का हमने वर्कशॉप किया था सात्विक के साथ. 10 days पहले हम लोग रांची चले गए थे एंड यू वोंट बिलीव वहाँ जाके हम देखने तो ये गए थे कि वाकई ऐसे बात करते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज और डायलेक्ट का. मैंने कहा था वहाँ के लोग बहुत स्टाइलिश हैं, दिल्ली बॉम्बे वालों को पीछे छोड़ देंगे. तो जब मैं कॉलेज गई आई डिस्कवर कि वहाँ की गर्ल्स वर सो स्टाइलिश. आई हैड नेवर कलर्ड हेयर इन माई लाइफ, मुझे बाल कलर करने पड़े. सौंदर्य फैशन क्वीन हेलीकॉप्टर थोड़ा और 3 गाना है, मस्त गाना है, फेवरेट कौन सा है? गॉडफादर. गॉडफादर के लिए नहीं बोला, नहीं वो गाना है. मैंने लिखा है गाना. ओके गॉडफादर इज आल्सो गुड बट लड़कियों को थोड़ा अलग टाइप का पसंद होता है, राइट? यस एब्सोल्युटली. आई थिंक फैशन क्वीन मेरा फेवरेट सॉन्ग है. फैशन क्वीन को लेके गीतों को लेके कितने एक्सपेरिमेंट करी छंती डायरेक्टर? फैशन क्वीन तर भलो हबार बहुत बड़ा रीजन एक्चुअली सौंदर्य से बहुत कम टाइम 6 घंटा मिलता है रिहर्स करने पे और बहुत 2 दिन में शूट करते हमें एंड थैंक्स टू उमा गेती थैंक्स टू द डीओपी थैंक्स सबुठ भल चार्ट बस्टर्स फैशन क्वीन ही अच्छी आम गीत भितर शी कैन सिंग फैशन क्वीन वेरी वेल. अरे प्लीज गा दिस सॉन्ग. प्लीज दो लाइन. अच्छा यू हैव टू डू दिस. ओके इवन यू हैव टू डू दिस. आई हैव टू. हां ओके सो इट गोस लाइक सर कहंदे मैनू फैशन क्वीन मैं हूं सारे मुंडिया दी ड्रीम तक तक वे के लख मेरे लिए मुंडे कहंदे मैनू फैशन क्वीन सारे कहंदे मैनू होए होए सारे कहंदे मैनू so what is the next dream of Soundarya? To be the next superstar. Very nice answer. किछि स्वप्न आपण देखिवा को भल पांती सात्विक? स्वप्न बहुत किछि अछि. मु भलो भलो फिल्म्स बनेवा चाहू छी. मु ए फिल्म रो मोर बैनर बे एस्टैब्लिश कर छी फिनिक्स फिल्म फैक्ट्री जो जो बैनर अंडर रे मु बहुत किछि भलो फिल्म प्रोड्यूस करिया को भी चाहू छी. वेब सीरीज बहुत किछि बनेवा चाहू छी. आजकल एंटरटेनमेंट रो माध्यम बहुत विभिन्न प्रकार हो गेलानी. आजकल लोक मानन को सिनेमा हॉल छोडा नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम विभिन्न चैनल आछि तो सेथिरे मु विभिन्न अलग अलग स्टोरी को एक्सप्लोर करी फिल्म वेब सीरीज बनाना चाहूँ. सुपर हीरो फिल्म बनवाक निश्चय मुझे चाहिए कारण मोर फेवरेट हूँ सुपर हीरो फिल्म. कॉमिक्स पढ़ी जेहेतु बड़ा होती मत बहुत जल्दी मुझे चाहूँ गोटे भल सुपर हीरो फिल्म बनवी जो थे कि मोर सब जो VFX फील्ड रे काम कर एक्सपीरियन्सटा मुझे यूज कर ड्रीम के बारे में जैसे आप बताए कि नेक्स्ट सुपरस्टार होने का ड्रीम है, वैरायटी ऑफ एक्टिंग करने का ड्रीम कितना दूर है? क्योंकि अगर आपको एक पुलिस ऑफिसर का रोल दिया जाएगा, आपको एक विजिलेंस ऑफिसर का रोल दिया जाएगा, आप करेंगे? बिल्कुल. मैं आपको बताती हूँ पुलिस ऑफिसर तो इतना चैलेंजिंग नहीं है बल्कि मेरा ड्रीम तो है आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट इंडियाज वंडर वुमन. Wow. जो कि इंडिया में अभी तक किसी एक्ट्रेस का और किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया है उस जोन में. सो आई एम अ बिग सुपर हीरो फैन. आई थिंक ये वन ऑफ द रीजंस था मेरा सात्विक के साथ कनेक्ट करने का बिकॉज शी वाज ऑब्सेस्ड विद वंडर वुमन. हाँ तो वो इसलिए बिकॉज दे आर लार्जर देन लाइफ. आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज लार्जर देन लाइफ. इज देयर एनी प्रिंसिपल इन योर लाइफ? प्रिंसिपल आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड और मैंने अपने लिए कोई बाउंड्रीज नहीं रखी है. मैं अपनी खुद रूल्स सेट करती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सेज दिस इज सपोज टू बी लाइक दिस आई नेवर फॉलो एनीथिंग. आई ऑलवेज फॉलो माई इंस्टिंक्ट. मेरे लिए कोई पर्टिकुलर ऐसे रोल मॉडल नहीं है बिकॉज मैं अपनी ही रोल मॉडल हूँ अभी. डेफिनेटली आई लुक अप टू लॉट ऑफ पीपल्स वर्क जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया. लाइक सबसे बड़े एग्जाम्पल खैर सर है हमारी लाइफ में. ही इज सच अ लेजेंडरी एक्टर. उनसे कितना कुछ सीखने के लिए, उनसे डिसिप्लिन सीखने का है, उनसे वो जो जिस पैशन से जिस शिद्दत से वो आज भी ही इज द यंगेस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ अस वो चीज़ उनसे सीखने का मिलता है. खुद के अंदर आप इतना मतलब चेंज लाना चाहते हैं एक्टिंग में भी हर चीज में भी और खुद का रूल फॉलो करना चाहते हैं, उनके अंदर क्या चेंज लाना चाहते हैं? मतलब वो जो होते हैं ना कभी स्माइल नहीं करते, थोड़ा चुपचाप से बैठे हुए हैं, तब से देख के थोड़ा स्माइल कर रहे हैं फिर बातें कर रहे हैं. कुछ डायरेक्टर में कुछ चेंज लाना चाहते हैं कि नहीं? चेंज एज इन मैं चाहती हूँ ये थोड़ा और खुले. ये बहुत फनी है. आपको पता नहीं ये दुनिया के सबसे बड़े बुली हैं. मतलब खैर सर भी परेशान है इनके सेंस ऑफ ह्यूमर से. बहुत स्ट्रेट फेस कॉमेडी करते हैं बट आई थिंक आई डोंट वांट टू चेंज हिम. ही इज गुड लाइक दैट. इवेंचुअली मे बी ही इज अ बिट शाय पर्सन. एक्चुअली ये बात सुना था कि ही इज गुड
वो जैसे हैं अच्छे हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन बताती हूँ। थैंक यू। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, सब इनको बोलते हैं, यहाँ भी कई बार पूछा आप क्यों एक्टर नहीं बनते हैं, आप डायरेक्शन में क्यों है, हैं। तो ये पता है क्या सुनने के लिए ये सब लोगों को बोलते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि ये बोल सके कि हाँ ये सुनने के लिए मैं डायरेक्टर बनाऊं। तो एक्चुअली व्हेन समबडी आस्क्ड मी कि आप एक्टिंग में क्यों नहीं गए, क्यों डायरेक्शन में गए, उसका कोई आंसर नहीं है। सो आई ऑलवेज टेल ताकि मैं इसलिए गया एक्टिंग में नहीं और डायरेक्शन में, ताकि मुझसे आप ये सवाल पूछ सके। सत्विक जदि आपको ऑफर दिया जाए गोटे फिल्म हीरो पाई, हीरो तो मुझे जमा करी करी नहीं, मते साइड एक्टर बहुत भल लागे हो पाई। अच्छा साइड एक्टर जदि ऑफर मिलबो हेबे आपन निश्चय हेबे आपन को फिल्म रे आपन जदि चाहि थांते हीरो हे परि थांते काई चाहि लेनी। बहुत डिफिकल्ट फिल्म बनेट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ सेट रे अब मोर ओडे बहुत खराब गुण होची, मु आई डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, आई कांट रिलाय ऑन अदर्स, मु यूजुअली लोको काम दियेनी, माने सब मु निजे करिया को बेसी प्रेफर करे। तो सही मोर एत जिनस प्रिपेरेसन आ प्लानिंग सांगे मुझेपरिटा यूजुअली आपट्रे रागंती सौंदर्या जमी कहते के रागार कहीं देखी ना हिरोइन के रागुले सेट्रे हीरोइन जमा बहुत बहुत ही cool. से सेटा हां सेटा हमारा एक्चुअली मतलब नखरा वखरा होता है ना हीरोइन लुक बिल्कुल नहीं माने अब से सेटा से जो हम केटरर जितले सेट रे से आज ही को बरसे हेगलानी से एबे भी एक पई मैसेज करछन कि से निजे भी कोन से केटरर जे से मतलब केटरर लाइट मैन स्पॉट बॉय तो उनको ने अपनो फिल्म सेट बड़ा लागू नथला इट वाज लागू थले कि ओटे माने ओटे फैमिली अफेयर भला लागू थला से पई सही सही रीजन पे जल्दी रे हेगला फिल्म दा 27 दिन ओटे इते बड़ फिल्म करेटा बहुत कष्ट। अच्छा हो जदी ओडिया फिल्म रो डायरेक्टर पई आपन को गोटे ऑफर आसीबो कोन कहिबे निश्चय करबी ओडिया फिल्म ता बने हो बेसी सहज कारण मु ओडिया पिला ओडिया रे भाबे मु अन्य लैंग्वेज ता को ट्रांसफॉर्म होए सो प्राइमरीली हम जते भाबे जो मदर टंग गई पई को आ जाय कि माने हमें जहां भाबू प्रथम हमर ब्रेन सिग्नल ओडिया रे आसे विभिन्न जगह रहिला पर से सिग्नल को ट्रांसफर करा जाए ट्रांसफर टेक द फास्ट हो अपन बाहर रहिकरी सेई बडा डिपेंड करे। बहुत सारा कथा परे हम प्रोग्राम रे टाइम होई छे रैपिड फायर राउंड रो रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड यस ठीक अछि। सौंदर्य फर्स्ट अपन यू आर गेटिंग ए चांस टू चूज योर हीरो ओके वरुण to choose your director mera naam lena Sattvik Mohanty and Sanjay Leela Bhansali and villain Anupam sir again co artist as heroine Alia next you you are also getting chance to choose a hero Ranbir Kapoor heroine what should I call Soundarya and ये सीधा हाथ गले पे जाएगा एंड कंगना इज गुड कंगना इज वेरी गुड डायरेक्टर का गुने बे मो फिल्म पे जदे हां फिल्म डायरेक्टर आई लव दिवाकर बनर्जी आउटस्टैंडिंग विलेन खैर सर कॉमेडी आर्टिस्ट अगेन खैर सर हां या ही डज एवरीथिंग किचिटा वर्ड्स कहबे ताको डिफाइन द वर्ड्स Love is everything. Love is an expression like. कभी प्यार व्यार हुआ है कि नहीं? बहुत बार. Flirting. Is fun. Sometimes. Crush. Yes. She has crush on only food, I think. No, food is also an option. Ego. Good thing. Dangerous. Very good answer. Same question. Love. Love is an expression depends varies from parameters to everybody's. आपन को प्यार व्यार हेला ना नहीं ताको तो बहुत टाइम बहुत रो बहुत रो फिर वो प्यार नहीं था. Keep going. Flirting not my cup of tea. Very difficult. Crush. Yeah, crush तो of course like since. Achy. Childhood crush ही हो चाहे कौन माने current crush if you can't have the don't know the art of flirting the only thing you have to survive with is crush ego actually very dangerous it actually spoils relationships and most of the problems happen because of ego because of nothing else because of just
stupid ego yaar. Do you take award ceremony very seriously? See, award ceremony gives a lot of mileage to the winners. It encourages. Yeah, but definitely, it's. I mean, it's not everything. Last but not the least, marriage. Marriage, like your question, that is also the last priority of my life. Yeah, but if somebody asks me, then only I realize, yeah, I have to get married also. So, would you get married to an Odia girl or any? Why are you giving those questions which I don't know what to answer? See, it could be anybody whom. See, that is a plan that not been set by us. It's as late Yash Chopra ji told ki aapke liye koi bana rehta hai, aayega life mein, aayegi life mein. Acha, 5 varsha pare Sattvik niji ko koi dekhibe? Making a superhero film and establishing a banner, Phoenix fan. Again, wow. Like she stole the role from my film. Not in Kathare Kathare? Of course, Kathare Kathare ma asibe au thare. ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥି ମୋର ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫିଲ୍ମ ସ୍ଟୋରି ଉପରେ ମୁଁ ବି ଆସୁଛି ୱାଓ ଦଟ୍ସ ଅମେଜିଙ୍ଗ ମାନେ ଜଣେ ରାଞ୍ଚି ଡାଇରୀରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଆସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ମାନେ ୟୁ ପିପଲ୍ ସୁଡ୍ ଲର୍ନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆଫ୍ଟର 5 ଇୟର୍ସ I can't say because I'm too young to say that. I'm still exploring and I think my journey has just begun. But after 5 years, I see myself only doing acting because this is the only thing I live for. So maybe somewhere in Bollywood only. Wow, that's amazing. Jaddi Odia film re director ho chante Sattvik, hero heroine ke hebe? ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଭଲ କି ମୁଁ ମେବି ନୂଆ କିଛି କାଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରିଆ ଅଲଗା ଥାଏ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଫର୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଫେସେସ୍ ନଟ୍ ଦାଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିସ୍ପେକ୍ଟ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅର୍ ଦ କରେଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ ବଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଶ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ବଲିଉଡ଼କୁ ନେଇକି କ'ଣ ପରସେପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଆସିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଆମର ଅରିଜିନ୍ଟା ହିଁ ସେୟା ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବେ କିଛି 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଲିଉଡ୍ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଲୀ ସିନେମା ଠୁ ଆମର ବୋଧେ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ନଟ୍ ମୋର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ୱି ହାଭ୍ ଅ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ବହୁତ ଦରକାର ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଡ୍ୟୁଟା ମିଳିପାରେନି ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହେବ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଲେଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଯାହା ଗୀତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ବହୁତ ମନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବମ୍ବେରେ ବି ଶୁଣେଇଛି ମୁଁ କିଶୋର କୁମାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ପାଇଁ କିଶୋର କୁମାର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏକା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଭେଲର ଯେଉଁ ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡ୍ୟୁଟା ମିଳିପାରୁନି ସିନେମା ଦେଖିବା କଲଚରଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଥିଲି ମୋର ବି ସେଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା କି ସିନେମା ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ସେ ଖରାପ ପିଲା ଆମର ସିନେମା ଦେଖିବା କଲଚର ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଏଟର ଯାଇକି ଦେଖିବାର ବହୁତ କମ୍ ତ ସେଇଟା ଯେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୋଏର୍ସ ଫିଲ୍ମ ୱାଚର୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ମ ସେଭଳିଆ ତିଆରି ହେବ Very nice, golden words. Thank you so much for coming Thank to you. Our show. ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗେ ଆପସେ ବାତ କରିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାତ୍ୱିକ ଅଲ୍ ଦ ଲକ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କଥାରେ କଥାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଆଉ ସମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା